अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं, स्पेशली अगर आपने खुद की वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वेबसाइट पे सेल लाने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपको एड्स के बारे में नहीं पता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अपनी खुद की वेबसाइट के ऊपर सेल्स लाना, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केटिंग उतना ज़्यादा काम नहीं करती। बहुत कम लोग ऐसे हैं जहाँ पे वो ऑर्गेनिकली अपने वेबसाइट के ऊपर सेल्स ला पाते हैं और बिना एड्स के अपना बिजनेस चला पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको क्विक रिजल्ट मिले, आप नया नया बिजनेस शुरू करें और आप चाहते हो कि आपको सेल्स मिले, तो आपके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक का एड स्टार्ट कर सकते हो। आज का वीडियो बिगिनर्स गाइड होने वाला है फेसबुक एड्स के ऊपर, कि कैसे आपको एड स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो फेसबुक एड्स के बारे में, इंस्टाग्राम एड्स के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले से ही फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स चला रहे हैं, अगर आपको बेसिक चीज़ों के बारे में पता है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्म्स के बारे में कि कैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड स्टार्ट कर सकते हो, किन किन चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में, कौन सी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको कंसिडर नहीं करनी चाहिए इनिशियली, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप बेसिक नहीं सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो हो सकता है आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप एक बार फिर से रिवाइज करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि एक बार मुझे फिर से पता करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप, हो सकता है थोड़ी स्लो लेके जाऊं वीडियो, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ सके। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम के एड्स चला सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा यहां पे फेसबुक का एक पैनल खुला हुआ है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, ठीक है। अभी फेसबुक में एक नया फीचर आया है जहां पे आपको प्रोफाइल स्विच करना होता है, चाहे आपने कोई भी पेज बनाया हो। पहले ऐसा नहीं होता था, आप सिंपली पेज में जाके एड्स मैनेजर में जा सकते थे। बट अगर आपको अब एड्स मैनेजर में जाना है, एड्स चलाने हैं, तो आपको उस प्रोफाइल में स्विच करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपकी पर्सनल प्रोफाइल ही दिख रही होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप सिंपली जो भी आपका पेज है वहाँ पे जाके आप स्विच कर सकते हो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। वो आपने एक बार कर लिया, तो आपको क्या करना है, अपने पेज के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने नया ही पेज यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप ऐसे पेज पे आ सकते हो, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिल जाएगा, इनसाइट मिल जाएगी, ऐड सेंटर मिल जाएगा, क्रिएट ऐड का एक ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से ऐड नहीं बनाना है, ठीक है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ से आप बूस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट कर सकते हो। सेटिंग में आप अलग अलग रोल डिसाइड कर सकते हो, अगर आपको किसी को एडमिन बनाना है, अगर आपको किसी को खाली एडिटर बनाना है, अगर आपको एडवर्टाइजर बनाना है, तो आप सारी चीज़ें वहाँ से कर सकते हो। पेज का नाम चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी अगर आपको चेंज करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपका लीड सेंटर आ जाता है। लीड सेंटर में बेसिकली क्या होता है कि आपने अगर कोई लीड वाला कैंपेन चलाया होगा, या फिर आप चाहते हो कि डेटा आप लीड वाला यहाँ पे डाल के रखो और उसको एज अ ऑडियंस यूज़ करो आपके आने वाले एड्स के लिए, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। बट अभी हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मेटा बिजनेस सूट, जो कि रिसेंटली लास्ट ईयर फेसबुक ने लॉन्च किया है, जहाँ पे आपका पूरा फेसबुक इंस्टाग्राम का डेटा आ जाता है और आप एक जगह से सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हो। तो हमको इसके ऊपर ही जाना है। अब इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो एक नया पेज खुल जाएगा, एक नया टैब खुल जाएगा, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका पूरा डेटा, जो भी फेसबुक इंस्टाग्राम का डेटा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दोनों आपके पेजेस भी यहाँ पे दिख जाएंगे कि आपके दोनों पेजेस लिंक हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप फेसबुक इंस्टाग्राम का ऐड चलाने जाओगे, तो आपको ये देखना है कि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज लिंक्ड हो, वरना बहुत सारे लोग के साथ दिक्कत क्या होती है, वो ऐड चलाने चले जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनका पेज लिंक्ड भी है कि नहीं। तो यहाँ पर जब आप मेटा बिजनेस सूट पे आते हो, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाता है कि आपका पेज लिंक्ड है कि नहीं। अगर नहीं लिंक्ड है, तो आपको उसको लिंक कर लेना है, ठीक है। लिंक करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, तो आपको आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा इंस्टाग्राम का। आप जैसे ही आईडी पासवर्ड डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये लिंक्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फेसबुक के फॉलोअर्स कितने हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कितने हैं, सारे दिख जाएंगे। क्रिएट रील करने का ऑप्शन है, अलग अलग टास्क है फेसबुक पे, ये सारी चीज़ें है इंपॉर्टेंट। बट अभी हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम आज ऐड के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है।
तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा पेज है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन लेफ्ट साइड में ही मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन है, इनबॉक्स है, कोई भी मैसेज वगैरह होगा तो आपको यहाँ पे कंबाइंड इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का कंबाइंड करके यहाँ पे मैसेज दिख जाएगा। प्लानर भी है जहाँ पे आप प्लान करके शेड्यूल्ड कर सकते हो। पहले आपको एक्सटर्नल ऐप यूज़ करने पड़ते थे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट को शेड्यूल करने के लिए, बट आप बहुत इजीली आप आराम से यहाँ से फेसबुक के मेटा बिजनेस सूट से भी आप अपने पोस्ट को प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से। जो डेट पे आपको शेड्यूल करना है उस डेट पे आप शेड्यूल कर सकते हो। उसके बाद इनसाइट है, एड्स है, एड्स मैनेजर है, ऑल टूल्स है। अब जब आप ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फेसबुक के एड्स से रिलेटेड, फेसबुक पेज से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स आपको एक जगह पे देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो ऊपर ही जो सबसे पहला ऑप्शन है वो एड्स मैनेजर का है शॉर्टकट्स में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो एड मैनेजर है वो एक नए टैब में खुल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एड मैनेजर सेपरेटली खुल जाता है। अब मैंने यहाँ पे आपको देखा होगा, आपने बहुत सारे एड्स के ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाए, यहाँ पे भी एक क्रिएट एड का ऑप्शन था, यहाँ पे भी एक ऑप्शन था, बट मैंने यहाँ पे बिजनेस सूट में जाके एड मैनेजर क्यों खोला, इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि वो बहुत ही सिंपल सा पार्ट होता है फेसबुक एड्स का। जैसे अगर आप यहाँ पे पेज पे जाके एड्स के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्रिएटेड ऑप्शंस होते हैं और बहुत लिमिटेड आपके पास इनपुट डालने का ऑप्शन होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एड्स मैनेजर में जाना है। एड्स मैनेजर में आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी जो इनपुट है वो काफ़ी लेवल तक बढ़ जाती है और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज एड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए आप कभी भी अगर ऐड क्रिएट करना चाहते हो तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ऐड मैनेजर में जाइए और वहां से जाके कैंपेन क्रिएट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपका अकाउंट ओवरव्यू है, कैंपेन्स है, एड रिपोर्टिंग है, ऑडियंस है, एडवर्टाइजिंग लिस्टिंग है, बिलिंग एंड पेमेंट है, सारी चीज़ें अलग अलग है। जैसा कि अगर आप एड्स रिपोर्टिंग में जाओगे तो आपका क्या कैसा रिपोर्ट है, कितने इनसाइट्स है, सब आपको दिख जाएगा। ऑडियंस में अगर आपने कोई ऑडियंस सेव की रखी रखी होगी पुराने आपकी पेज के फॉलोअर्स के हिसाब से, आपने कस्टम या लुक अलाइक ऑडियंस बनाई होगी, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इन सारे टर्म्स को मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट अभी आप एक ओवरव्यू समझ लीजिए ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ सके। एडवर्टाइजिंग सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बिलिंग एंड पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बिलिंग एंड पेमेंट में आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड सेट करना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एड्स अकाउंट बना लेते हैं बट वो क्रिएट कैंपेन पे जैसे ही क्लिक करते हैं उनका कैंपेन क्रिएट नहीं होता रहता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया है। इनिशियली आपको यहाँ पे कार्ड ऐड करना पड़ेगा, कार्ड से आपने एक बार ऐड कर दिया उसके बाद आप UPI वगैरह सभी इसको अपडेट कर सकते हैं, आपको हर बार कार्ड से करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कार्ड नहीं करते हो तो भी यहाँ पे आपको बहुत सारे नेट बैंकिंग वगैरह के भी ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है कि अगर जब भी आपका ऐड नहीं चालू हो रहा है तो आपको एक बार जाके चेक कर लेना है कि क्या आपका बिलिंग एंड पेमेंट में आप पेमेंट मेथड आपने प्रॉपरली सेट किया है कि नहीं। ये एक बार आपने कर दिया तो अब जाते हैं हम सीधा कैंपेन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, कैंपेन्स का, एड सेट का और एड्स का। तो तीन लेयर में फेसबुक के एड्स डिवाइडेड होते हैं। कैंपेन्स मतलब आपने जो मेन मेजर कैंपेन बनाया जिसमें कि आपने बेसिक रूल्स रखे हुए हैं कि आपको किस टाइप का कैंपेन चाहिए, क्या उससे रिजल्ट आपको चाहिए, ये चीज़ें आप डालते हो। एड सेट में क्या होता है, एड सेट में आप उसका प्लेसमेंट डिसाइड करते हो, उसमें आप उसका ऑडियंस डिसाइड करते हो, उसमें आप उसमें अगर आपको सपोज करो कि आपने एक ही कैंपेन में आपको दो एड सेट चलाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कैंपेन एक बनाया मेरी वेबसाइट के लिए, उसमें दो कैटेगरीज है, एक टी शर्ट की कैटेगरी, एक ट्राउजर की कैटेगरी है, तो मैं उसके दो एड सेट बनाऊंगा। एक एड सेट में मैं खाली टी शर्ट प्रमोट करूंगा और उसकी ऑडियंस अलग होगी, एक एड सेट में मैं ट्राउजर प्रमोट करूंगा और उसकी ऑडियंस अलग होगी, मैं उसकी ऑडियंस अलग अलग कर सकता हूँ। जनरली मिस्टेक्स क्या होती है इसमें कि लोग हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैंपेन बनाने चले जाते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि उनका बहुत सारा बजट लगना शुरू हो जाता है, बहुत सारे पैसे खर्च होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे कैंपेन्स बनाओ, एक ही कैंपेन में आप अलग अलग एड सेट बना सकते हो और अलग अलग एड सेट में आप अलग अलग कैंपेन्स भी क्रिएट कर सकते हो, एड्स भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने एक कैंपेन में दो एड सेट क्रिएट किया है वैसे ही आप एक एड सेट में अलग अलग एड्स भी क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग एड क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है ये मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपने यहाँ पे ऑडियंस अलग अलग सिलेक्ट की है, एड्स में आप अलग अलग क्रिएटिव यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मेरी कोई टी शर्ट है जिसका मैं इमेजेस प्रमोट करना चाहता हूँ या फिर मैं कैरोसेल में 5-6 इमेजेस डालना चाहता हूँ। सेम प्रोडक्ट्स के मैं अगर वीडियोस भी डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस सेम है तो ऑडियंस मेरी एड सेट में डिसाइडेड रहेगी। मुझे क्या करना है, खाली उसमें एक नया एड क्रिएट करके उसके खाली क्रिएटिव्स चेंज करने हैं, इमेजेस की जगह वीडियोस का ऑप्शन डालना है और वीडियोस वहां पे डाल के मुझे सबमिट कर देना है। तो इससे मेरे एक ही एड सेट में दो अलग अलग, तीन अलग अलग या फिर इनफैक्ट मैं चाहूँ तो 5 अलग अलग कैंपेन भी
रन कर सकते हो, आप जितने कैंपेन जितने एड्स चाहो उतने आप एक एड सेट में डाल सकते हो। तो इससे एक ही कैंपेन से आपका काफ़ी सारा काम हो जाता है और आपको बार बार अलग अलग प्रोडक्ट के लिए कैंपेन क्रिएट करने की, एड्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और ये लोगों को आई थिंक मुझे लगता है 80-90% लोगों को आज तक नहीं पता है, जो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ये मैंने आपको ऊपर जो डैशबोर्ड पे दिख रहा है उसके बारे में बता दिया, अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि कैसे आपको ऐड क्रिएट करना है और क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप यहाँ पे खुल जाता है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज यहीं पे होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं कि लोगों को समझ में आता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखो, मैं हर एक चीज़ का आपको डिटेल में बताता हूँ कि कब आपको किस टाइप के जो ऑप्शन है यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो कि जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी होती है। अवेयरनेस कब करना होता है? सपोज करो आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को देखें। अगर आपने कोई वीडियो बनाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट के वीडियो को देखें। अब आप क्या करोगे, अवेयरनेस कैंपेन बनाओगे। अवेयरनेस कैंपेन में आपका जो इंप्रेशन होगा उसके हिसाब से आपको पैसे लगते हैं, कि आपका कितना इंप्रेशन आ रहा है उसके हिसाब से आपका जो पैसा है वो कट होगा। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगी। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इन ऑडियंस को जिन्होंने भी आपकी वीडियोस देखी है उसको आप रीटारगेटिंग कर सकते हो अपने कस्टम ऑडियंस के थ्रू। तो ये बात की बात है, बट अवेयरनेस कैंपेन आपको तब चलाना है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहते हो, ठीक है। अब आता है सेकेंड, वो है हमारा ट्राफिक। ट्राफिक कैंपेन बेसिकली क्या होता है, जिनकी भी वेबसाइट है और आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करें, तो आपको क्या करना है, ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करना है जिसमें आपको हो सकता है उतनी ज़्यादा रीच ना मिले, बट फेसबुक उनको ही एड्स दिखाएगा जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके ऊपर जाएंगे। तो इसके लिए ट्रैफिक कैंपेन तब चलाना चाहिए जब आपने आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट्स चाहिए होते हैं। उसके बाद आता है इंगेजमेंट कैंपेन। अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स चलते हैं जहाँ पे खाली लोग लाइक्स और मैसेजेस के लिए ही कैंपेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई ऑफर चलाया हुआ है, मेरा कोई इवेंट है और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मैसेज करके उसके डिटेल पूछे, तो मैं यहाँ पे इंगेजमेंट कैंपेन चला सकता हूँ जहाँ पे मैं कॉल टू एक्शन जो है मैसेज का डालूंगा और जो लोग भी मेरा पोस्टर देखेंगे या फिर इनफैक्ट मेरा वीडियो देखेंगे वो मुझे वहाँ से मैसेज करके पता कर सकते हैं इवेंट डिटेल्स के बारे में। और मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे ही कोई मैसेज करे तो मैं ऑटो रिप्लाई वाला सिस्टम फेसबुक में भी आता है, इंस्टाग्राम में भी आता है, तो मैं ऑटो रिप्लाई चालू करके रखूंगा और जैसे ही कोई मुझे उस ऐड के थ्रू मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको इवेंट के सारे डिटेल्स का रिप्लाई चले जाएगा। तो आप ऐसे इंगेजमेंट वाले कैंपेन्स है उसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा लीड्स का कैंपेन। लीड्स का कैंपेन बेसिकली क्या होता है, सपोज करो कि मुझे लीड्स चाहिए, मैंने कोई ट्रैवल कंपनी खोली है। फॉर एग्जांपल, खाली हम एग्जांपल के लिए एक दुबई का पैकेज ले लेते हैं और मैंने दुबई का पैकेज बहुत अच्छे प्राइस में लॉन्च किया है। अब मैं क्या करूंगा, लीड्स कैंपेन में एक फॉर्म बनाऊंगा। आपको इसमें एक फॉर्म बनाना होता है, आगे आने वाली वीडियो में लीड के ऊपर एक प्रॉपरली वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम बात करेंगे कैसे आपको लीड्स कैंपेन क्रिएट करना चाहिए। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप लीड्स कैंपेन बनाते हो तो उसमें आपको एक फॉर्म क्रिएट करना होता है जिसमें कि आपको कस्टमर की डिटेल्स लेनी होती है। इस केस में जहाँ पे हम ट्रैवल का ऐड बना रहे हैं तो उसमें हमको कस्टमर का नाम चाहिए होगा, कस्टमर का बजट चाहिए होगा, कस्टमर का ईमेल आईडी चाहिए होगा और कस्टमर का फ़ोन नंबर चाहिए होगा। तो इससे हम कस्टमर से इंगेज कर पाएंगे। और एक और चीज़ आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो थोड़ा और रिफाइन करने के लिए, कि जो कस्टमर है वो कब ट्रैवल करने का सोच रहा है या फिर वो कब जाने का सोच रहा है, तो इसके हिसाब से उसका शेड्यूल आपको पता होगा और उसके हिसाब से आप उसको बेस्ट रेट भी दे सकते हो और सारी डिटेल होने के बाद आप उसको अच्छे से अप्रोच भी कर सकते हो। तो ऐसे लीड्स कैंपेन आप क्रिएट करोगे, जो लोग भी उसका फॉर्म भरेंगे उसके सारे डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे, फिर आप उसके ऊपर फॉलोअप करके अपना जो कन्वर्जन है, जो अपना सेल्स है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है ऐप प्रमोशन। अब सपोज करिए अगर आपने कोई ऐप बनाया, आपने अपना प्ले स्टोर पर ऐप डाला या फिर ऐप स्टोर पर ऐप डाला है, तो आपको चाहिए कि आप उसके मैक्सिमम डाउनलोड्स करवाओ। तो इस केस में क्या करना होता है कि आपको अपने ऐप को प्ले आपके एड्स मैनेजर से लिंक करना होता है और वहाँ से आपका जो ऐप है वो लिंक्ड हो जाता है। और जब भी आप कोई क्रिएट करते हो ऐप तो वहाँ पे आप अपने ऐप का लिंक डाल सकते हो और जो भी उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली उसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर रीडायरेक्ट कर देता है आपका एड्स। तो इससे आपके जो डाउनलोड्स है वो काफ़ी रैपिडली बढ़ते हैं। प्लस इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप अगर ऐप का आपका कोई लिंक है, बहुत सारे ऐप्स में डीप लिंक होता है, आपने देखा होगा कि आप जो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट के एड्स देखते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे और उसके ऊपर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली वो ऐड जो है वो आपको उस प्रोडक्ट पर्टिकुलरली प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेके जाता है ऐप में। तो आप भी अगर आपका ऐप है और किसी ने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो ऐसे एड्स क्रिएट कर सकते हो जिससे कि वो डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेके जाए और सामने वाले जो कस्टमर उसका टाइम वेस्ट ना हो और तुरंत उसको परचेज कर सके। तो ऐसे आप ऐप प्रमोशन वाले एड्स को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट आता है वो है सेल्स का।
बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जिसमें कि लोगों ने दिखाया कि मेरे को इतनी ROAS आ रही है, मुझे इतना रिटर्न्स आ रहा है, मैंने इतना सेल्स कर लिया, इतना रिवेन्यू जनरेट कर लिया। तो वो जो चीज़ें होती है वो सेल्स वाले कैंपेन में होती है, जिसमें कि आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए टोटल कितने पैसे खर्च हुए और आपका कितने का सेल हुआ वो आपको दिखाता है, आपकी ROAS कितनी आई वो आपको दिखाता है। तो जनरली जब आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है, आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, तो उस केस में आप ये वाले ऐड चलाते हो, सेल्स वाले ऐड चलाते हो, जिसमें कि फेसबुक आपके पूरे वेबसाइट के डेटा को ट्रैक करता है कि कौन से कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, कौन से कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट परचेस किया, उस परचेस की वैल्यू कितनी थी और उस परचेस करने के लिए आपका ऐड स्पेंड कितना हुआ, उसके हिसाब से आपको पूरा डेटा दिखाता है। तो बेसिकली ये सारे ऑप्शन का ये सारा मतलब होता है, अलग अलग ओकेजन में आपको अलग अलग टाइप के एड्स चलाने होते हैं और इससे आप अलग अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम सबसे बेसिक चीज पे जाएंगे, हम जाएंगे अवेयरनेस कैंपेन पे। ठीक है, हम अवेयरनेस कैंपेन पे यहाँ पे चले जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे आप अवेयरनेस कैंपेन पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा कैंपेन एक क्रिएट हो चुका है, कैंपेन क्रिएट हो गया है। तो आप इसमें कैंपेन का नाम ऑब्वियसली बात है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं वीडियो बना रहा था, एड्स जून 11, आप अपने हिसाब से किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कर रहे हो तो उसको भी डाल सकते हो, बट फिलहाल मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिक्लेयर कैटेगरीज आपको पूरी अवॉइड करनी है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कैंपेन टाइप में ऑक्शन पे आ जाएगा, आपका अवेयरनेस आ जाएगा, आप अवेयरनेस आपने किया हुआ है। एबी टेस्टिंग आपको नहीं करनी है। एडवांटेज कैंपेन बजट में आपको बता दूं, एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मल्टीपल एड्स क्रिएट कर सकते हो एक ही कैंपेन में, तो उसमें क्या होता है कि जो भी एड्स आपका अच्छा परफॉर्म करेगा फेसबुक ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा कि हाँ जो भाई जो अच्छा कैंपेन प्रमोट कर रहा है, जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसी के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च करो, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसके ऊपर पैसे कम खर्च करो। तो इससे आपको ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिलता है और आपको बिडिंग बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती, बजट बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ आप ऑन कर सकते हो एज अ बिगिनर, अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्प कर सकती है। उसके बाद आपको अपना डेली बजट रखना है, आप अपने बजट के हिसाब से 100 रुपये रख सकते हो, 200 रुपये रख सकते हो, 300 रुपये रख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जितना भी खर्च कर रहे हो उसके ऊपर आपको 18% GST भी लगता है। ठीक है, ये हमने कर दिया, एक बार हमारा ये चीज़ हो गया तो उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में हमारा, अब क्योंकि हमने कैंपेन क्रिएट कर दिया तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है एड सेट का। तो एड सेट आप देखोगे न्यू अवेयरनेस एड सेट, तो उसको फिलहाल मैं चेंज नहीं करता हूँ, अपने हिसाब से अपना नाम जो है वो रख सकते हो। अब हमें गोल क्या चाहिए, तो हमें मैक्सिमम रीच चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम रीच रखेंगे, आप इंप्रेशन भी कर सकते हो या फिर एड लिफ्ट भी कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें होती है, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए रिजल्ट, लेकिन हम यहाँ पे रीच रख रहे हैं कि हम जो पोस्ट बना रहे हैं उसमें चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम रीच मिले। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से फेसबुक पेज के थ्रू उसको प्रमोट करना चाहते हो। शेड्यूल्ड है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे ये वीकेंड के लिए ही ऐड चलाना है, 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक ही ऐड चलाना है, उसके बाद ऐड बंद कर देना है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे जब तक ऐड चल रहा है, जब तक मेरा बजट है, तब तक मेरा ऐड चलते रहे, तो आपको यहाँ पे नो एंड डेट, यहाँ पे एंड डेट सिलेक्ट ही नहीं करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका कैंपेन जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद आता है ऑडियंस कंट्रोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ सही से नहीं करते हो तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता, आपके पास पैसे वेस्ट होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑडियंस कंट्रोल में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि एक अवेयरनेस कैंपेन है, तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे एडिट करिए, मिनिमम एज यहाँ पे दिया हुआ है, एडवांटेज ऑडियंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एडवांटेज ऑडियंस है, तो यहाँ पे आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे कर देना है पहले। तो एडवांटेज ऑडियंस में क्या होता है, फेसबुक अपने हिसाब से जैसे बजट में डिसाइड करता है, वैसे यहाँ पे भी डिसाइड करता है कि कौन से ऑडियंस को आपका ऐड दिखाना चाहिए और कौन से ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहिए। तो एज अ बिगिनर आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है फेसबुक एड्स का तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ओरिजिनल ऑडियंस यूज़ करिए, ओरिजिनल ऑडियंस में आप अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे ओरिजिनल ऑडियंस पे, आप जैसे ही ओरिजिनल ऑडियंस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑडियंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑडियंस एक पर्टिकुलरली बहुत बड़ा पार्ट है फेसबुक एड्स का, तो अगर मैं उसको यहाँ पे समझाने चले गया तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बट मैं आपको बेसिक, अगर आप एक नया ऐड क्रिएट करते हो तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो लोकेशन, अगर आप कोई, आपका कोई लोकल शॉप है, आप लोकली प्रमोट करना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पूरी कंट्री सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि पूरी कंट्री सिलेक्ट करके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, आपको अपना लोकल एरिया सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप एडिट में जाओगे तो आपको यहाँ पे उसका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसका लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है, ड्रॉप पिन करके आप अपना जो पर्टिकुलर डायमीटर है आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। ये चीज़ अगर आप जब भी खोलोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि आपके लोकल एरिया में ही प्रमोट करना है, फिर आपके लोकल सिटी में ही प्रमोट करना है, फिर लोकल स्टेट में ही प्रमोट करना है, तो आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स की जहाँ तक हम बात करें तो वो ऑब्वियसली पैन इंडिया में होगा, तो हमने यहाँ पे इंडिया में सिलेक्ट करके रखा है। बट अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको लग रहा है कि मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादा बिकेगा, तो आप यहाँ पे सिंपली मेट्रो सिटीज़ जाकर मैं आपको करके ही दिखा दूँ। यहाँ पे सपोज करो मैंने इंडिया हटा दिया, ठीक है, इंडिया मैंने हटा दिया और यहाँ पे मैं लोकेशन में महाराष्ट्र डाल दूंगा। ठीक है, महाराष्ट्र मैंने डाल दिया, महाराष्ट्र यहाँ पे ऐड हो गया, तो मेरे जो ऐड है वो खाली महाराष्ट्र में ही दिखेंगे, महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको ही मेरे ऐड दिखेंगे। तो ऐसे आप भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने स्टेट को, सिटी को। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एज। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको जो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन मिलेगा, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, वो एज में मिलेगा 18 to 34। तो अगर आप कोई भी कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी का कैंपेन क्रिएट कर रहे हो और आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो ये जो एज कैटेगरी है आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। चाहे मेल का हो फीमेल का हो, आपको ये कैटेगरी से ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कितने ही बड़े ब्रांड का डेटा देख लो, यही जो सबसे बड़ा ऑडियंस है उनका होने वाला है 18 to 34 में ही सबसे ज़्यादा ऑडियंस उनकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज सिलेक्ट करना है, एज डिफॉल्ट है, आप चाहे कोई भी कैटेगरी में करिए आपको 18 to 34 में ही जाना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। ओनली इनकेस अगर आपका प्रोडक्ट थोड़े एजेड लोगों के लिए, अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट ऐसे वो प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि एजेड लोगों के लिए, तभी आपको ये जो एज रेंज है वो चेंज करना है, वरना अगर आप जनरल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो ये एज रेंज जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो। जेंडर में बेसिकली अगर आपका कोई फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो फीमेल को सिलेक्ट कर लीजिए, मेल ओरिएंटेड तो मेल सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपका जनरल प्रोडक्ट है जो सबके लिए है तो आप कोई ऑल जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है डिटेल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट, आप डेमोग्राफिक में अलग अलग डेमोग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो, बिहेवियर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वैसे ही आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट लेके जा रहा हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो ऑडियंस के ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आती है प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट होता क्या है? देखो दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखे, लेकिन दिक्कत क्या होती है मालूम है कि कभी कभी प्लेसमेंट ऐसी जगह हो जाती है ऐड्स की जहाँ पे हमें कन्वर्जन मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते और वहाँ पे हमारा खाली पैसा वेस्ट होता है। तो इसके लिए आप जब भी ऐड बनाते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उसका प्लेसमेंट सही से डिसाइड करो। स्पेशली ये दिक्कत सबसे ज़्यादा तब होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई रील बना के प्रमोट करना है और मैंने उसका प्लेसमेंट सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो वो सब जगह दिखेगा, तो कहीं क्रॉप होके दिखेगा, कहीं छोटा सा दिखेगा, कहीं दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जिस टाइप का ऐड बनाना चाह रहे हो उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट सिलेक्ट करनी है। आप यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट करने का ऑप्शन है एडवांटेज प्लेसमेंट, यहाँ पे पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो वो आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर चले जाना है। एडवांटेज प्लेसमेंट में सेम वही चीज़ होती है, फेसबुक अपने हिसाब से प्लेसमेंट डिसाइड करता है। आप जैसे ही मैनुअल प्लेसमेंट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर मैं खाली रील का ही प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे रील प्रमोट करनी है कोई, तो मैं यहाँ पे फीड वाले जितने भी ऑप्शन है वो कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे डिसलेक्ट कर दूंगा, स्टोरी रील्स वाले ऑप्शन में रहने दूंगा, इन स्ट्रीम वाले जो है वो मैं हटा दूंगा, सर्च रिजल्ट वाले है जो मैं हटा दूंगा, ठीक है, ऐप एंड साइट वाले वो मैं हटा दूंगा, क्योंकि मुझे खाली रील के ऊपर ही प्रमोट करना है और किसी के ऊपर प्रमोट नहीं करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब प्लेसमेंट हमारी हो गई है, बजट हमारा हो गया, ऑडियंस हमारा हो गया है, अब यहाँ से हमको जाना है नेक्स्ट पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैंने बोला थीन लेयर है, तो मैंने कैंपेन क्रिएट कर दिया, एड सेट हमने क्रिएट कर दिया। अब जो तीसरा लेयर है वो हमारा एड्स का, ठीक है, जो हमारा मेन एड होने वाला है जो ऑडियंस को दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट पेज आते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एड का जो पेज है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, सबसे पहला है सिंगल इमेज और वीडियो। अगर आपको चाहिए कि आप वीडियो प्रमोट करो या फिर सिंगल इमेज आपको प्रमोट करनी है तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा है कैरोसिल। कैरोसिल क्या होता है मालूम है कि जब आप चाहते हो कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो एक साथ में, तो उसमें आपको मल्टीपल इमेजेस ऐड करनी होती हैं, तो इसके लिए आपको कैरोसिल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आप अलग अलग इमेजेस डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्शन एड्स। कलेक्शन एड्स में बेसिकली आपको कलेक्शन बनाना पड़ता है अपने प्रोडक्ट्स का और उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा और वहाँ पे उसके हिसाब से कलेक्शन, आपने देखा होगा बहुत बार
कि आप जब फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते हो तो आपको वहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट दिखाना शुरू करते हो, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हो तो प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपको लेके चले जाता है इंस्टाग्राम अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो वैसे ही आप अगर कलेक्शन क्रिएट कर करोगे तो आपके भी वेबसाइट पर लोग वैसे ही जा सकते हैं और वो उनको डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो कलेक्शन एड्स वो हो गया, सिंगल मैंने वीडियो बता दिया आपको, कैरोसेल बता दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सिंगल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे सिंगल इमेज ऐड करने का अगर ऑप्शन मुझे मिल रहा है तो एक सेकेंड ना, मैं यहाँ पे आई थिंक इन्होंने पहले से इमेजेस डाल के रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से सीधा इसको रिमूव ऑल कर दूँगा, ठीक है, रिमूव ऑल कर दूँगा। बहुत बार क्या करता है फेसबुक कि अपने हिसाब से इमेजेस खुद ले लेता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ऐड मीडिया कर दूँगा, ऐड मीडिया में ऐड वीडियो कर दूँगा क्योंकि हम रील प्रमोट कर रहे हैं, तो हम ऐड वीडियो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पहले से जो मेरी वीडियोस है वो दिख जाएंगी जो मैंने पहले से अपलोड करके रखी हैं। अगर आप इसको चाहो तो आप नया भी अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आपको अपलोड में जाना है और अपलोड में आप जैसे ही जाओगे तो आपके पीसी में जो भी वीडियो आप डालना चाहते हो वो डाल के अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोड आप जैसे ही करोगे तो नया वीडियो आपको डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, बट मैंने यहाँ पे पहले से ही वीडियोस डाल के रखी हैं कुछ, तो मैं फिलहाल क्या करूँगा इन्हीं वीडियोस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये वीडियो है इसका अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ये सेम उसी फॉर्मेट में नहीं है बट अभी फिलहाल चल जाए इसके हिसाब से, मैं आपको बताने के हिसाब से यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। हमने इसको नेक्स्ट कर दिया, 19:16 कर दिया क्योंकि 19:16 का ही फॉर्मेट होता है रील्स और अपने स्टोरीज का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 19:16 कर दिया। उसके बाद आपको आता है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट के लिए जो बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको बताऊँ, आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी पे चले जाओ, ठीक है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बेस्ट प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट शॉर्ट प्राइमरी टेक्स्ट फॉर फेसबुक एड्स एंड व्हिच आई एम प्रमोटिंग ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा सा मुझे प्राइमरी टेक्स्ट जो है यहाँ पे बना के मिल जाएगा विथ हैशटैग्स। बस मुझे क्या करना है यहाँ से कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे जाके जो मेरा प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन है उसमें जाके मुझे कंट्रोल वी कर देना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपली आप चैट जीपीटी का यूज़ करके काफ़ी अट्रैक्टिव जो प्राइमरी टेक्स्ट है बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे तो आपको फेसबुक की तरफ से भी कुछ रेफरेंस मिल जाते हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो, जिनके भी टेक्स्ट अभी इन्होंने AI इंटीग्रेट कर दिया अपने सिस्टम में तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट 2-3 सिलेक्ट करके रखो ताकि जैसा जो ऑडियंस है उसके हिसाब से उसको वो प्राइमरी टेक्स्ट दिखाता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे हेडलाइन। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्री शिपिंग एंड COD, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया अपने हेडलाइन में। तो ये जो भी ऐड देखेगा उसके नीचे जो टेक्स्ट दिखेगा उसको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा, डिस्क्रिप्शन बहुत कम लोग डालते हैं और वो दिखता भी नहीं है प्रॉपरली, तो डिस्क्रिप्शन नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद आपका आता है कॉल टू एक्शन, आप क्या चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे शॉप नाउ चाहता हूँ, ठीक है, कि लोग शॉप नाउ करें मेरे प्रोडक्ट पर क्लिक करके सीधा मेरी वेबसाइट को विजिट करें। तो यहाँ पे मैंने शॉप नाउ डाल दिया, मैंने वेबसाइट का यहाँ पे URL यहाँ पे आप डाल सकते हो डायरेक्टली, आपको कॉपी करना है आप डायरेक्टली उस पेज को ही डालना चाहते हो तो आप पेज को भी डाल सकते हो। यहाँ से आप चेक कर सकते हो जो आप डाल रहे हो वो प्रीव्यू URL करके कि वो प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू URL करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेज है आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पेज प्रॉपरली चेक हो गया है कि मेरा प्रॉपरली खुल रहा है लिंक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से जाके इसको पब्लिश कर देना है। आप जैसे ही इसको पब्लिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा और आपका ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, आपका जो पहला ऐड है वो लाइव हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, पब्लिश विदाउट एडजस्टमेंट, पब्लिश विद एडजस्टमेंट। अब ये मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है कि मैं एडवांटेज की जो ऑडियंस और एडवांटेज का जो प्लेसमेंट है वो यूज़ करूँ, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे खुद का यूज़ करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको पॉपअप आए तो आप यहाँ पे जो ग्रीन वाला सेकंड वाला ऑप्शन है पब्लिश विद एडजस्टमेंट, मतलब आपने जो चेंजेस किए उसके हिसाब से दिखाए, तो यहाँ पे आपको कर देना है, ठीक है। तो एक बार आपने सारी चीज़ें डाल दी आपको सिंपली क्या करना है उसके बाद यहाँ से पब्लिश कर देना है। आप जैसे ही पब्लिश करेंगे तो आप देख सकते हो कुछ टाइम के बाद आपका जो ये ऐड है ये पब्लिश हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिशिंग का आपको एक टैब खुल जाएगा। तो ये हमारा जो ऐड है ये पब्लिश हो चुका है
और विद इन 24 आवर्स ये जो ऐड है हमारा लाइव हो जाता है। अगर आप पहला ऐड क्रिएट करते हो तो कभी कभी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, बट आप एक बार रेगुलर ऐड करना शुरू कर दोगे तो 2 से 3 घंटे में भी आपका ऐड जो है वो अप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप बेसिक फेसबुक पे ऐड्स चला सकते हो, फेसबुक पे ऐड क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर हम डिटेल में बहुत सारे वीडियोस देखने वाले हैं कि कैसे आप अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हो, कैसे आपको ट्रैफिक कैंपेन चलाना चाहिए, ऐप प्रमोशन क्या होता है, आपको कैसे सेल्स लानी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, लीड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आए फेसबुक एड्स के ऊपर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स के ऊपर, ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर, अभी चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।